भाजपा शासित सभी राज्यों के सीएम की बैठक चल रही है। आपको बता दें कि पार्टी कार्यालय में पीएम मोदी लोकसभा चुनाव 2024 जीतने के टिप्स देंगे। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल हुए हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में पहुंचे हैं। वे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से केंद्रीय योजनाओं के बारे में सवाल जवाब कर सकते हैं। सभी मुख्यमंत्री अपनी शासन रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे। आपको बता दें कि बैठक में मोदी सरकार के पिछले 8 सालों के दौरान किए गए कार्यों को जनता के सामने पेश करने की रणनीति तैयार करने पर चर्चा हो सकती है। अगले साल कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार करने पर भी बातचीत होगी। इसके साथ ही पार्टी को मजबूत करने और मोर्चा स्तर पर कमेटी गठित करने पर भी इस बैठक में मोहर लग सकती है। आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी गुरुवार को ही पार्टी की राज्य इकाइयों में कुछ आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को ही पार्टी की राज्य इकाइयों में कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक नियुक्तियां की थी। इसके तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के राजेश जीवी को कर्नाटक में संगठन महासचिव बनाया। आपको बता दें कि राजेश जीवी ने अरुण कुमार का स्थान ले लिया है। अरुण RSS में वापस लौट गए हैं। वहीं भाजपा की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक पूर्वोत्तर के राज्यों में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री का जिम्मा संभाल रहे अजय जामवाला को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।